हेलो दोस्तों, मैं संदीप कौशिक आपका स्वागत करता हूँ gksaction.com के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल में। और हम आज यहाँ देखने वाले हैं 6 सितंबर 2018 के मुख्य करंट अफेयर प्रश्न में उत्तर, जो कि हिंदी भाषा में अंकित किए गए हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न में उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आने वाली SSC रेलवे या अन्य सभी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक होंगे। तो दोस्तों, ये एक टेस्ट आधारित परीक्षा होगी। हर प्रश्न में आपके पास 5 सेकंड का वक्त होगा। तो दोस्तों, 10 प्रश्न होने के बाद आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपने 10 में से सही उत्तर कितने सोचे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर एक से। प्रश्न नंबर एक में पूछा गया है, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के बाद कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी विश्व की दूसरी ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गई है? वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर TCS? प्रिय दोस्तों, इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, वो है अमेजन। दूसरा प्रश्न, डॉलर के मुकाबले पैसा टूटकर 71.58 प्रति डॉलर हो गया है। हाल ही में किसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रुपए में और भी गिरावट आ सकती है? वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, SBI, केंद्र सरकार? दोस्तों, हम बता दें ये आज के करंट अफेयर है, यानी कि 6 सितंबर 2018 के। प्रिय दोस्तों, इनकी यदि संक्षिप्त में जानकारी जाननी है तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, जिसका नाम आप स्क्रीन पर पढ़ चुके हैं, gksaction.com। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हम बताते हैं, वो है SBI। तीसरा प्रश्न, 10 सितंबर 2018 को कौन सी राज्य सरकार 40 सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू करने वाली है? पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार या फिर गुजरात सरकार? प्रिय दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो है दिल्ली सरकार। चौथा प्रश्न, 10 से अधिक ब्रांच वाले बैंकों के लिए ऑम्बड्समैन की नियुक्ति करना होगा, हाल ही में यह किसने निर्देश दे दिया है? वर्ल्ड बैंक, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार या फिर RBI? प्रिय दोस्तों, का सही उत्तर है वो है RBI। पांचवा प्रश्न, इनमें से किसने एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कारीगरों की मजदूरी को 36% से अधिक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? नीति आयोग, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट या फिर MSME मंत्रालय? प्रिय दोस्तों, का सही उत्तर जो है वो है MSME मंत्रालय। छठा प्रश्न, शिक्षक दिवस के अवसर पर CBSE द्वारा दिए गए CBSE टीचर्स अवार्ड 2017 व 18 में किस राज्य के किसी भी पब्लिक स्कूल से किसी भी शिक्षक का नाम नहीं आया? दिल्ली, केरल, बिहार या फिर राजस्थान? दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वह राजस्थान। सातवां प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा हाल ही में जनधन योजना जारी रखने और ओवरड्राफ्ट सीमा को 2 गुनी करने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार या फिर नीति आयोग? इसका सही उत्तर है वो है केंद्र सरकार। आठवां प्रश्न आज का पूछा गया है, आठवां प्रश्न में कि IPL की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि RCB टीम ने भारत क्रिकेट टीम के किस पूर्व गेंदबाज को IPL 2019 के लिए अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? आरपी सिंह, जाहिर खान, आशीष नेहरा या फिर मोहम्मद शमी? इसका सही उत्तर है वह है आशीष नेहरा। नवा प्रश्न, किस देश की मिसाइलें और परमाणु हथियार विकसित करने वाले जू क्यू जांग का हाल ही में निधन हो गया? चीन, जापान, उत्तर कोरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही उत्तर है इसका वह है उत्तर कोरिया। दसवां प्रश्न, हाल ही में आरिफ अलवी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? पाकिस्तान, जापान, चीन या फिर अफ्रीका? दोस्तों, इसका सही उत्तर है वह है पाकिस्तान। तो प्रिय दोस्तों, आज के 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। हमें उम्मीद है आपने 10 में से तकरीबन 7 सवालों के सही जवाब दिए होंगे। यदि नहीं दिए तो दोस्तों प्लीज़ आगे थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ा और ध्यान दें करंट अफेयर को, क्योंकि जैसा कि हम बताते आए हैं, करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए आप डेली न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए दोस्तों, तरह तरह की वेबसाइट पर करंट अफेयर क्यूज डेली रहते हैं तो उन्हें पढ़िए, और हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, जहाँ पर आपको इन्हीं करंट अफेयर की PDF मिलती है फ्री में। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.gksaction.com, प्लीज़ विजिट करिए और वहाँ पर